मौजूद है फलक जावेद, जो कि पीटीआई की बड़ी सरगर्म कारकुन है। फलक, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, आपकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है गुज़िश्ता दिनों, कहीं आपके घर में भी रेड हुई है और वो बगैर वारंट के हुई है, तो क्या बताएंगी उस बारे में? भाई ये कि बगैर वारंट घुसते हैं घरों के अंदर और लोगों को डरा धमका दी रहे, क्योंकि जलसा होने वाला था, लोगों को रोकने के लिए वारदातें करते फिर थे आदित्य यादव चोरों की तरह, लेकिन यह कि इतने कंटेनर लगा के लोगों को उठा के डरा के भी देखे, तारीख की जलसा है, इतना बड़ा जलसा है कि उन्होंने कहा है कि दरवाजे बंद कर दिए, अब लोग जो जाके फ्लाई ओवर पर खड़े हो जाएं, इतने लोग जमा हो गए यहाँ पे माशाल्लाह। तो ये पैगाम है इनको कि जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, आप इतनी ज़्यादा आवाम को डरा सकते हैं ना ही रोक सकते हैं, आवाम बाशऊर है, अपने हक के लिए बाहर निकलेगी। इस तरह की हरकतें करके आप मजीद अपने आप को जलील करवाते हैं, आवाम को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हुकूमत की जानिब से तो मौकफ़ ही इख्तियार किया जा रहा है, तर्जमान पुलिस का भी बयान आया है कि ये जो कंटेनर लगा के रास्ते बन गए, ये सिक्योरिटी की मद में किए गए हैं। कौन सी सिक्योरिटी के लिए, ये कौन सी सिक्योरिटी है आवाम को तंग करने के लिए? मतलब कल रात से लोगों को तंग किया हुआ है, लोग जिनके रोज़ा था आज सारे रोज़ेदार थे, रमज़ान के दिन है, लोग परेशान थे, मतलब लोग घर से बाहर निकल पाए थे, जगह जगह कंटेनर, हर गली का एक कंटेनर था, ये सिक्योरिटी नहीं थी, ये खौफ था इमरान खान का और कोई वजह नहीं थी। और जो पुलिस की जानिब से रेड की गई थी वो किस मद में की गई थी? बेसिकली जो मेरे हस्बैंड हैं इलेक्शन लड़ते हैं, उनके लिए भी थी और हम लोग क्योंकि जाते हैं जगह पर जलसों पर उसको रोकने के लिए, तो ये सब उन्होंने रेड की थी। और ये भी बताते चलें कि क्या आपको लगता है, जिस तरह खान साहब ने कहा था मेरा आज का जलसा जो है बाकी तमाम जलसों के, अपने ही जलसों के रिकॉर्ड तोड़ देगा, तो आज तोड़ा रिकॉर्ड? तोड़ दिया ना रिकॉर्ड, सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, इतने लोग जमा हो गए हैं कि मजीद लोगों की गुंजाइश नहीं है अंदर, ठीक है, तोड़ दिया रिकॉर्ड। तो जो लोग रास्ते बंद कर रहे थे क्या पैगाम देंगे उनको? उनका पैगाम यही है कि इस तरह की हरकतें करके आप अपने आप को मजीद जलील कर रहे हैं, मजीद अपने आप को शर्मिंदा करवा रहे हैं, क्योंकि आवाम में तो बाज नहीं आना, सीधा इलेक्शन करवाएं, मुल्क को आगे बढ़ने दें, क्योंकि आवाम फैसला कर चुकी है अगला वज़ीर-ए-आज़म इंशाल्लाह इमरान खान ही बनेगा। बहुत शुक्रिया।